नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की 5 महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं और फिर आपके लिए हम ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताएंगे। तो पहली खबर यह है कि ओपेक की बैठक से ठीक पहले कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां क्रूड तेज है, ठीक ठाक तेज है, वहीं MCX पर अभी अभी भाव हरे निशान में आया है। इससे पहले MCX पर भाव कच्चे लाल निशान में था, अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया है। माना यह जा रहा है कि ओपेक प्लस की इस मीटिंग में शायद उत्पादन ज़्यादा बढ़ाने पर फैसला ना हो। जो पहले की पॉलिसी है 4 लाख बैरल रोज की बढ़ोतरी की, उसी पर ओपेक अभी भी कायम रह सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया भर में डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो सोने चांदी की चमक फीकी है। MCX पर सोना 47,600 के नीचे है, सोने में 300 रुपये की कमजोरी, चांदी 150 रुपये नीचे और चांदी का भाव 61,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में सोना करीब करीब 0.25% गिरा है। डॉलर में मजबूती से सोने में रुझान कम हुआ है। इसके अलावा ग्वार की बात करें तो कमजोर मांग से ग्वार का भाव भी फिसला है। 5700 तक ग्वार सीड का भाव लुढ़का है। ग्वारगम का भाव 10,100 के नीचे फिसला है। ग्वार सीड 3% और ग्वारगम करीब 4% तक टूट चुका है। इसके अलावा खाने के तेल में कमजोरी है। ग्लोबल मार्केट में दबाव से घरेलू बाजार में कमजोरी है और सोया तेल, क्रूड पाम तेल, सोयाबीन सब में यहाँ पर कमजोरी दिख रही है। इसके अलावा एक ताज़ा आंकड़े आए हैं इस माह के कि अक्टूबर और नवंबर में चीनी का उत्पादन बढ़ा है और अक्टूबर नवंबर में उत्पादन 47 लाख टन हुआ है। पिछले साल इसी समय उत्पादन 43 लाख टन हुआ था। महाराष्ट्र में उत्पादन बढ़कर 20 लाख टन पर पहुँच चुका है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं जिगर धर्मशी मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से। गोल्ड का मार्केट जिस तरह से हमने देखा है कि बहुत ही उठापटक का दौर गोल्ड के लिए भी रहा है, आज भी मार्केट में एक दबाव का ही माहौल है, तो आपके हिसाब से गोल्ड में करंट रेट पर क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जी देखिए, मुझे लगता है कि ओवरऑल जो करंट मोमेंटम है गोल्ड का वो निचले स्तरों की तरफ है। मुझे लगता है ये प्रेशर आगे भी कंटिन्यू होगा। जिस तरह से फेड की तरफ से जो कमेंट्स आ रहे हैं तो प्राइसेस थोड़े नेगेटिव ही रहेंगे बट डाउनसाइड लिमिटेड रहेगी। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अगर करंट मार्केट पे कुछ ट्रेड लेना है तो सेलिंग करके चल सकते हैं करंट मार्केट पे ही। जो स्टॉप रखना होगा वो 47,825 के करीब का रखना होगा और निचले स्तरों में मुझे लगता है कि 47,400 से 375 के लेवल हम इंट्राडे सेशंस में आते हुए देख सकते हैं। तो ओवरऑल एक सेलिंग का माहौल रहेगा गोल्ड में। ठीक है, सिल्वर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? चांदी में आपको लगता है कि अभी जो प्राइस है चांदी का, ये सेलिंग के लिए, शॉर्ट के लिए ठीक है, बेचना चाहिए चांदी? जी, मेरा व्यू चांदी में भी ओवरऑल सेलिंग का ही रहेगा और हमने देखा है कि जिस तरह से गोल्ड सिल्वर रेशियो भी ट्रेड कर रहा है, 74 वाला रेशियो 80 पे चला गया है, तो वो दिखाता है कि सिल्वर ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो मुझे लगता है कि सिल्वर ओवरऑल सेलिंग में रहेगा बट अगेन सेलिंग करंट लेवल पर रिकमेंड नहीं करूंगा। काफ़ी हद तक गिरावट आती हुई देखी है हमने, तो मुझे लगता है कि अगर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अगर 150-200 रुपये की भी अगर रिकवरी आती है तो ऊपरी स्तरों से सेलिंग करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 61,400-450 का जोन काफ़ी अच्छा इंट्राडे सेलिंग लेवल रहेगा। 61,775 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और निचले स्तरों पर मुझे लगता है कि 60,800 और 60,600 के लेवल्स आज के सेशन में आने वाले दिन में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, क्रूड का मार्केट आपके हिसाब से चूंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और आज क्रूड के लिए बेहद अहम दिन है, मीटिंग चल रही है, ओपेक और गैर ओपेक की मीटिंग होगी आज, तो आपको लगता है कि उससे पहले क्रूड को बेचा जाए या खरीदा जाए या दूर रहा जाए? जी देखिए, क्रूड में बिल्कुल ही थोड़ा कॉशियस रह के काम करना चाहिए बिकॉज जो ओपेक के आउटकम है उसके लिए जरूर से वेट करना है। कभी भी आउटकम आ सकता है और पॉसिबिलिटी है कि जो 4 लाख बैरल्स का जो सप्लाई उन्होंने इंक्रीज किया है वो उसी लेवल्स पे उसी व्यू के साथ सहमति करके चलेंगे, आगे कोई सप्लाई में बढ़ोतरी नहीं होगी ऐसी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि इनिशियली इसके वजह से क्रूड थोड़ा अपसाइड पे है बट जिस तरह से कोविड के नए वेरियंट्स के जो कंसर्न्स बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि उसका जो डिमांड के ऊपर सेंटीमेंट है वो दोबारा से हिट कर सकता है। तो मैं समझता हूँ वॉलिटिलिटी जरूर से रहेगी, थोड़ा वक्त क्रूड ऊपर जरूर आएगा बट जो ओवरऑल सिनेरियो है कोविड के वेरिएंट के कंसर्न्स को लेकर मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर सेलिंग करके चलना चाहिए। हाँ, बट जो भी ट्रेडर्स उनको स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करना बिल्कुल ही जरूरी होगा। तो आज के सेशन में क्रूड अगर रिकवरी आता है तकरीबन 5090 से लेकर 5100 तक तो वहां पर सेलिंग करना ठीक रहेगा, ना कि करंट मार्केट पे।
5140 से थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और 4970 के करीब का टारगेट हम आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, जिंक और एल्युमिनियम, जिंक और एल्युमिनियम, क्या आपको लगता है कि जिंक और एल्युमिनियम अभी ट्रेड के लिहाज से इस भाव पर ठीक है? अगर हाँ तो करना क्या चाहिए? मुझे लगता है कि जिंक और एल्युमिनियम में ओवरऑल एक वीकनेस का ही माहौल रहेगा, बट अगेन जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत रिकवरी का पॉसिबिलिटी है काफी सारे मेटल्स में, तो जिंक और एल्युमिनियम में भी हल्की सी रिकवरी जरूर से दिखेगी इवनिंग सेशन में। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जिंक की अगर लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 271.75 का काफी अच्छा लेवल रहेगा एंट्री पॉइंट सेलिंग के लिए, 273 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 268.75 के टारगेट्स हम आते हुए देख सकते हैं जिंक में। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो 214 का काफी अच्छा सेलिंग लेवल रहेगा, 215.50 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 210.50 के टारगेट्स एल्युमिनियम एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये राय आपकी कहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया जिगर आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।